अल्हम्दुलिल्लाह आज के व्लॉग का आगाज हो चुका है अल्लाह तआला के बरकत नाम से। अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करता हूँ कि आप खैरियत से रहें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ अभी दुआ से। फजर अपनी हो गई है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि एक दिन नया और हमें नसीब हुआ अल्लाह की तरफ से। तो गाइज अभी सुबह सुबह मैं पीऊँगा सुलेमानी और देसी एग जो है वो खाएंगे। नाश्ता तो हमारा 10 से 10:30 बजे के करीब होगा, लेकिन सुबह सुबह ये हल्का फुल्का टक ज़िंदगी के साथ ज़रूरी है। अभी आज हमारे बड़े बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। बड़े बच्चों में अपना किसा ज़रा, नायाब ज़रा और शाहजीम, ठीक है जी, आज उनकी छुट्टी है। अपना इज़न अब्बास आज जाएगा उसको छोड़ने के लिए। आप लोगों की सपोर्ट से, आप लोगों की सपोर्ट साथ रहेगी तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी जल्दी मिलेगी, क्योंकि एक एक होता है और 2 11 होते हैं, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात को लेके कि गाइस आप लोग वीडियो को देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, वरना बंदा किस काबिल, ठीक है जी। लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए, कहते हैं कि एक ना एक दिन मंजिल मिल ही जाती है। समझ रहे हो ना, आदमी लगा रहे किसी लगन को लेके, तो ठीक है गाइस। अपनी सुलेमानी जो है वो रेडी हो गई है, एक पे थोड़ा टाइम लगेगा। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं गाइस, एक चीज़ पूरी करते हैं दूसरी ख़त्म होती है, दूसरी पूरी करते हैं तो तीसरी ख़त्म होती है। 3 चीज़ों पे ज़िंदगी अटकी हुई है, चीनी पे, आटे पे और घी पे। इतना बड़ा टब्बर नहीं है गाइस, इतनी बड़ी फैमिली नहीं है, लेकिन गले में जो है ना रस्सी अटक गई है, कसम खुदा की। कि वो कहते हैं ना कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, जिए या ना जिए। क्या करें, कुछ समझ से बाहर है कि किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को मेंटेन करें। ऐसा नहीं है कि रोज़गार नहीं है, लोगों के पास रोज़गार है, ड्यूटी है, जॉब्स हैं, लेकिन फिर भी पूरी नहीं बढ़ रही। समझ रहे हो ना, क्या फ़ायदा है यार। लो जी ये सुलेमानी रेडी हो गई अपनी, अब इसको डालते कप में और इसके मज़े लेते हैं, ठीक है जी। ये किसकी गर्ल लेके आया है? शालिम जी। गाइस ये आप इसका चेहरा अच्छे तरीके से पहचान लें, ये है हमारा पिकटोट, तो शरारतों में सबसे आगे है, बातों में सबका बाप है, बातें ऐसी ऐसी करता है। नहीं जाना। हाँ क्या? बेटा। सुल्तान नहीं। टीपू नहीं। हाँ मुल्तान। क्या कह रहे हैं फिर? नहीं बाबा। बेटा तो है ही नहीं है, तू बेटा क्यों कहे हम? हाँ कोट बाबा। हाँ ये गान सुबह सुबह उठाई पड़ता है जी, पता नहीं किसकी गान उठा के ले आया है, किसको उठा के लेके आया है। शादी की। तो अगर टूट गई ना तो भाई ने फिर तुझे मारना फिर। खा लो के मार। अच्छा गाइस आज फातिमा जो है ना वो आज तकरीबन 5 से 6 दिन के बाद अपनी नानों के घर से घर वापस आया। मेरा बेटा वापस आया, ठीक है जी। फातिमा घर वापस आ गई है, घर की रौनक वापस आ गई है। सुबह सुबह तायाबू के साथ खेलिए कर रही है। हाँ फातिमा वो वाला बेटा क्या कर रहा है? तो गाइस बच्चों के साथ बड़ी रौनक है यार, ये घर से गई हुई थी तो बिल्कुल बेरौनकी थी, क्योंकि अभी छोटा बच्चा है ही कोई नहीं। तो गाइस इनका कहना है जी आप ऐसा सिंगल पकड़े ऐसा हाथ पे, ऐसे नहीं इसको जो है ना रोल करना। तो अब ये तीनों खींचेंगे, इज़न है, किसा है और नयाब है। हेलो जी गाइस, अभी बारिश का फुल माहौल है जी, बारिश वाला मौसम बना हुआ है, फिर जो छाए हुए हैं।
लो जी गाइस, हमने इधरों को ले लिया स्कूल से। ये हमारा बेटा जो है ना कार्टून देख रहा था, ठीक है जी। तो अब हम इसे लेके घर जाते हैं। क्यों जी सर? कार्टून देख रहे थे, सही बात है। अभी चलें घर। पेपर कौन सा था आज? तो गाइस ये देखें, कितने हट्टे ओए, कितने हट्टे कट्टे बच्चे और मैं अकेला, और ये तीन बच्चे देख रहे हैं आप। और मैंने इनसे एक हाथ से कपड़ा पकड़ना, एक हाथ से गाइस, दोनों हाथों से नहीं। तो इन लोगों ने दो दो हाथों से, यानी कि इनके छह हाथ होंगे। और वो देखे, वो मेरा हाथ खड़ा कर रहा है, मैं अकेला और मेरा एक हाथ, वो भी लेफ्ट हैंड, और इनके तीनों के दो दो हाथ। लेट्स गो स्टार्ट। तीनों और मैं अकेला, ये देखे। मैंने जान के छोड़ा है। लो जी गाइस, आप देख रहे हैं, इंसाफ कीजिएगा, मेरा एक हाथ और इन लोग इन बच्चों के। गाइस ये देखे, बंदा भी बना आगे तो नींजा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो के साथ, किसी अच्छे कंटेंट के साथ।